मेरे भाई, आज हमें देखने जा रही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, मोपेड लेना कि गियर गाड़ी लेना। अगर को क्या क्या फ़ायदे ही, क्या क्या नुकसान ही, एक दूसरे के बोलता हूँ। देखो भाई, तो मैं मोपेड लेना चाह रही हूँ। मोपेड के पहले ये सुन लियो, तुम्हें क्या वास्ते अच्छी, क्या क्या कर सकती, क्या वास्ते अच्छी कर दो। तो मैं एक मोपेड गाड़ी मामूली, एक क्लीन, उम्र वाला भी चला सकती, छोटा बच्चा भी चला, बच्चे का वो 18 साल का भी चला सकती, वो भी चला सकती, नहीं कर को नहीं। अब वो इसमें का तो खाली तुम्हें बैठना, चला ले चलाना, क्या भी रखना का है, क्या भी डॉक्यूमेंट्स का तो भी उठाना, खोल को यहाँ रख लेना। फ्यूल टैंक यहाँ आती है इसकी, उसकी फ्यूल टैंक डिक्की के नीचे आती है, पता होता है। और इसमें भी तुम ना अच्छी बात क्या करते, इसमें माइलेज आती है, दब्बा को माइलेज आती है, तुम्हें 60-70 की माइलेज अंख्या मुझका आती है। कैसा भी चलो, तुम्हें कैसा भी करो, स्पीड चलाना नहीं। अब इसमें तुम्हें आराम से चलाती है तो 40-50 की माइलेज आती है, ये माइलेज का होगा। अब इसका पावर, पावर में कहता तो मैं ये 125 cc की है, तुम्हें 125 आती है, वो 110 cc की आती है। तो तुम्हें भगाने ट्राई करो तो दो भी एक ही चाहिए। गियर गाड़ी में तुमने आराम से गियर गियर शिफ्ट कर लेगा, मैनुअल हाथ में कंट्रोल रहता है, कैसा होना वैसा भगा ले जा, यही नहीं कैसा भागती है वैसा भगती है। तो एक बार एक तो सीधी लेन में रहेगा तो सीधी लेन में जाती है, वो होना तो गियर कंट्रोल कर लेगा, क्यों भी भगा ले जा। और एक इसकी ख़राब बात क्या कहते हो, इसमें व्हीला देखो, छोटे व्हीला, इसमें क्या है बड़े व्हीला, कंफर्ट अच्छा मिल रहा है, तुम्हें खड्डे गिड्डा होता महसूस नहीं होता है, इसमें हर एक छोटा छोटा खड्डा भी महसूस होता है। और तुम्हें बैठ को चलाने का पोजीशन इसमें भी अच्छा था, इसमें भी अच्छा था, क्यों होगा तो इसकी सामने की टायर बड़ी है, उसमें ज़रा ड्राइविंग पोजीशन अच्छा मिलता, तुमने दो में भी ड्राइविंग पोजीशन अच्छा मिलता। और सहूलत के नाम पर तुमने वो शुरू में बोला सर का सामने जगह मिलती है, यहाँ तुम्हें आराम से तुम्हें कहते भी गाड़ी चला लगो, यहीं क्या भी रखना पड़े, घर के की लें कि क्या की किधर की अलग रखना पड़े, यहाँ रख लिया जा। दूसरा डिक्की मिल जाए, तुमने डिक्की में आराम से ये रख ले जा। और वो चे इसमें क्या भी मिलता नहीं, तुमने बैठे चला लिया। और तुम्हें इसमें छोटे से छोटा हेलमेट रखना, तो इसे कहती भी दलाना, यहाँ वो आता ना हेलमेट होल्डर वो दलाना, नहीं तो वो साइकिल का लॉक आता ना वो हिसाब से दलाना। तुम्हें क्या भी पेपर भी रखना का तो भी नहीं रख सकते तुम्हें इसमें, यहाँ पेपर रखती हूँ तो तुम्हें क्या बारिश गिरिश पड़ा चले जाती हैं पेपर हम पूरे। और एक बात क्या कहते हो, इसमें ये आता वेल्व सिस्टम, वेल्व सिस्टम का तो भी तुम्हें आराम से, तुम्हें रिजर्व पर रखा तो ये रिजर्व पर पेट्रोल माता इसमें टैंक में कितना 2 लीटर पता है, रिजर्व पर पेट्रोल माता। तुम्हें ऑन पर रख लो गाड़ी, आराम से चलाए इधर उधर गए, इमरजेंसी 2 लीटर पेट्रोल बच कर रहता, तुम्हें ऑन पर रखो ना ये तब बीच बचता। सो वो चीज़ इसमें मोपेड में देखे तुम्हें क्या भी रिजर्व भी नहीं आता, क्या भी नहीं आता। और इसमें टैंक भी छोटी आती है, तुमने कितना 5-5.5 लीटर की टैंक आएंगे तुमने होता है, इसमें तुमने 10 लीटर की टैंक आती है, 10 लीटर की टैंक आती है, ऊपर से तुम्हें माइलेज भी ज़्यादा आती है। 10 लीटर की टैंक तो 700 किलोमीटर एक एक्सट्रेच में मार डाले जाए तुम्हें, एक बार को 700 किलोमीटर। इसमें 50 की मिल जाती है को हाईवे पर, 6-5 लीटर 5.5 लीटर का टैंक, 5 लीटर का चल करो कितना है 50 को तो भी 250 किलोमीटर जा सकती हूँ तुम्हें बता। इसमें इसके मैं रिजर्व के भी नहीं आता, रिजर्व के बदले तो मैं डिक्की में एक बॉटल रख सकती इमरजेंसी के वास्ते। और तुम्हारी बैटरी की ट्रिल हो गया कहती भी स्टार्ट करना गाड़ी को, इसमें तो आराम से किक आता है, यहाँ बैठा बैठा उठाए सोचे पाँव से किक मारा ले जाए तुम्हें आराम से। वो चीज़ में कहता मोपेडा में सब तुम्हें अब बैटरी की ट्रिल है कैसा स्टार्ट करती हूँ तुम्हें, बड़े बड़े तो नहीं कर सकते, उससे क्या स्टैंड स्टैंड डालना चाहिए, स्टैंड डालने के बाद इसे तुम्हें किक मारना होता, सो स्टैंड डाल कुछ मारना, तुम्हें हूँ खड़े खड़े गाड़ी में मारती है तो भी नहीं मार सकते किक, किकर स्टैंड बीच में आता, वो इसमें एक सहूलत है, बैठा बैठा आराम से किक मार कर चले गए इसमें। इसमें गाड़ी से उतरना तो बीच किक मारना, और पेट्रोल भराना तो भी इसमें तुम्हें गाड़ी वो बैठे बैठे ये कर लिया, कितने भी चीज़ें रखो कहीं क्या भी रखो कहीं क्या भी नहीं। इसमें तुम्हें पूरी फैमिली गिमली बैठ गए, 2-3 जने बैठी तब भी तुम्हें पेट्रोल डालाना है, पूरे जने उतरना डिक्की खोलना तब भी पेट्रोल डाला सकती हैं सो। और एक बात, किक से भी स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी, क्या की रिचगिच हो गई है क्या की गाड़ी, तुम्हें आराम से इस पर डाउन में ठहलो, सेकेंड गियर की फर्स्ट गियर में किसमें की एक दाल को स्टार्ट कर ले। इसमें एक बार ख़राब होगी तो गाड़ी मैकेनिक करने बुला लग गए तक रेडी नहीं होती है वैसा। और इसमें कहती कचरा सपड़ा, हमें खोल नहीं सकते ये गाड़ी पूरी कवर रखे सो, पूरा ना टांग टांग खोल को बाद में इंजन दिखती है इसकी। इसमें देखो तो तुम्हें खुला खुला छान दिख जाता, क्या भी आइडलिंग बढ़ाना ये करना वो करना सब तुम्हें हाथ से अच्छे घर बैठा बैठा स्क्रू ड्राइवर लिए कर डाले होगा। इसमें वैसा नहीं, पूरा खोलना पड़ता, हमने समझ में नहीं आता देखा अंदर अंदर ये पूरा खोल को मैकेनिक करने बुला लग जाना, मैकेनिक करने बुला लगे तो खोल को पाक से रेडी करता हूँ। ऐसे कंपेरिजन देखना होता तो मैं अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, देखने का रहा तो ऐसे कमेंट में करो, कमेंट में कहते हुए सवाल ना रहे तो पूछो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के वास्ते।